तुसीं वेख रहे हो पंजाबी साइंस टीवी चैनल, मैं हाँ जगजीत बारू सिंह सगू। साथियो अज मैं तुहानू दर्शन कराउण चलिया हाँ गुरद्वारा दुख निवारण साहब गुरु का ताल आगरा साहब जिहड़ी कि धरती चार पातशाहियां दी चरण छोह प्राप्त धरती है। आओ इस दा आपां जिहड़ा संखेप इतिहास तो जाणू होइए। मेरे नाल हन अज इस गुरु घर दे हैड ग्रंथी बाबा हरबंस सिंह जी, जो इस बारे जानकारी देंगे। बाबा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी सानू इस बारे तुसी जानकारी दिओ इतिहास बारे। सतसंग जी आप दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा। आगरे की धरती ते कृपा की बख्शिश की रहमत की है। चार गुरु साहबाना ने अपने मुबारक चरण पाए हैं। धन गुरु नानक देव महाराज जी, मीरी पीरी दे मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी, अमृत के दाते साहब कमाल धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। इस तों इलावा सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, भाई नंद लाल जी, जिन्हां ने बहुत समा आगरे की धरती ते रह करके धन गुरु नानक देव महाराज जी दे मिशन का प्रचार संचार किया। सात संगत जी सामने गुरद्वारा मंजी साहिब आप दर्शन कर रहे हो। ये पावन स्थान सतगुरां की याद नू आमद नू ताज़ा कर रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी पंजाब देश तो चल के श्री आनंदपुर साहब जी तो रवाना हो करके अनेक नगर ग्रामा शहरों में होंदे हुए सेवकों उतारते हुए ये मंजी साहब वाली जगह पर शाही बाग विच तालाब के किनारे सतगुरों ने अपने सिखा सहित घोड़ियां तो उतारा किया, पड़ाव करना किया, आसन लाया। इसे ही स्थान तो सतगुरों ने हिंदू कौम के डुबदे हुए बेड़े नू बन्ने लाउण वास्ते सात संगत जी आप अपनी इच्छा अनुसार औरंगजेब दीआं फौजां पास गिरफ्तार होने का कौतक रचना किया। एक गरीब भेड़ां बकरियां चारण वाला चरवाहा जिस दे राही सतगुरां ने गिरफ्तार होने का कौतक रचना किया, उस गरीब नू अपनी गिरफ्तारी का इनाम दवा के घटना की। आप दर्शन करोगे पावन भोरा साहिब जिथे सतगुरु जी 9 दिन तक नज़रबंद रहे हैं। इतों सतगुरों नू भारी फौज की निगरानी विच पालकी विच बिठा करके चांदनी चौंक दिल्ली रजाना किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सी बाबा हरबंस सिंह जी जिन्हां ने जिहड़ा इतिहास है सानू वो सुनाया। ते तुसी इस गुरु घर दे विच हाजरियां भर के संगत बड़ी धन धन हुंदी है। देखो इस समय शाम का वक्त है, तुसी वेख सकते हो संगत बड़े ही गड्डियां मोटरसाइकलां ते होर अपने अपने व्हीकल लेके संगत इत्थे हाजरियां भरन वास्ते आ रही है। सो आओ भागां वालिओ, आओ हुण तुहानूं असीं उस भोरा साहिब दे दर्शन करवाईए जी। Oh,
ਕੁੜੂਆ ਕੂੜ ਬ੍ਰਹਾਰ ਕੂੜ ਮੈਂ ਕੂੜ ਕਪੜ ਕੂੜ ਵਿਆਪਾਰ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਕੂੜ ਦੀ ਵੀ ਥਰ ਹੋਏ ਥਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਦੀ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਦਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤਬ ਜਬ ਕਰਨਹਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਾਮ ਆਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ ਸਰਹੰਦ ਗਰਵ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਾਵਾਂ ਮੂੰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੀ ਉੱਚੇ ਖੜਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਸਨ ਅਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀਆਂ
वह 500 मोहर उस गरीब आजड़ी दवा के उसके गरीबी कटाने गरीबी से छुटकारा दवाने सहाई हुई है सन। तो यह पावन स्थान दर्शन कर सकते हो जी। इधर इस स्थान का जोड़ा उपरला हिस्सा तुम दर्शन कर सकते हो। मैं पहला भी तुम दर्शन करवा दिते और ये हूँ मैं थोड़ा लै चलता हाँ उस भोरा साहब के दर्शन करवाने जा चलिया हाँ जिथे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी 9 दिन तक औरंगजेब के जड़ी सिपाही वालों उन्होंने बड़ी कड़ाई के नाल गुरु तेग बहादुर साहब नज़रबंद किया। इस दे नाल नाल वो खूह के दर्शन भी करवावांगा जिहड़े खूह का पानी गुरु साहिब जी के मेहर सदका मिठा होया सी। तो आओ तुहानू लै चल रहा हाँ मैं भोरा साहब वल। पत्री शब्द अनुकूल शब्द अनुकूल शब्द पूरा करता है हर शब्द एक शब्द एक को जाने दे ओ नानक आकर आते है। आओ जी हुण तुहानू मैं दर्शन कराउण चलिया हाँ जिथे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस पावन पवित्र भोरे साहब के विच 9 दिनां वास्ते औरंगजेब दीआं फौजां वल्लों नज़रबंद करके रखा गया सी। सो आओ दर्शन करिए जिथे सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी 9 दिन तक नज़रबंद रहे। साध संगत जी ये पुरातन इमारत दे आप दर्शन कर रहे हो। ये इमारत है जो लगभग 450 साल पुरातन है। इस इमारत उत्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के चरणों की शो नेत्रां की बख्शिश है। महापुरख जो सेवा करवा रहे हैं मौजूदा मुखी बाबा प्रीतम सिंह जी जिन्हां ने सतगुरां दीआं यादां नूं इतिहास नूं संभाल के रखिया है बिना तोड़ फोड़ कीतिआं इह पुरातन इमारतां नूं रिपेयर करके कार सेवा करके लैमीनेशन करवा दिता गया है ताकि साडी जो आने वाली नवीं जनरेशन गुरु नानक नाम लेवा संगतां पंथ खालसा दी नवीं जनरेशन सतगुरां दे इतिहास तों चरण छो प्राप्त इमारतां तों जाणू हो सकण। ये साध संगत जी जदों भी आप संगतां आगरे पहुँचो गुरद्वारा दुख निवारण साहिब दर्शन करन दी कृपालता करनी अंदर आप जी नूं दर्शन कराउने आ जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी 9 दिन तक नज़रबंद रहे हन। ये साध संगत जी ये पुरातन ही सारा जो इमारतां हन संभाल के रखियां होईयां बाबा जी। ये वो पावन स्थान है गुरद्वारा भोरा साहब पावन पवित्र भोरा साहब है जी। सामने महाराज का जोड़ा अखंड जाप है निरंतर हमेशा चलता रहता है। सो तुसी वेख सकते हो बाबा हरबंस सिंह जी ने बड़ी जानकारी दिती कि ये जरा पुरातन वो बिल्कुल उ बिल्डिंग है जिथे बाबा प्रीतम सिंह जी होरी ते होर साध संग दे सहयोग दे नाल सारा दे सहयोग दे नाल जिहड़े है संगत दे सहयोग दे नाल ये लैमीनेशन की गई है। 400 साल पुरानी इमारत तुसी वेख सकते हो बिल्कुल हूबहू उही जिस तरह की बनी हुई सी बड़े ही हिसाब दे नाल इस नूं बचा के रखा गया है। ये
चूने ते पत्थरां दी बनी हुई इमारत अखंड जोत चलती रही है इत्थे। सो बाबा जी जिहड़ा तुहाडा ये मैं ये पुछना चाहुंदा बाबा जी भी ये जिहड़ा काल सी जानी कहण दा वक्त जिहड़ा ये समां सी ये किन्ने तो किन्ने काल तक दा समां सी? ये साध संगत जी 1675 ईस्वी का ये समा सी, महीने कुछ अगे पिछे हो सकते ने, जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आगरे की धरती ते अपने मुबारक चरण पाउंदे हन। सतसंगत जी तालाब के किनारे जिस शाही बाग विच सतगुरु जी बैठे, वो तालाब भी उवें रख्या होया है पर उसनू परत पा दिता गया है। फुल बगीचे खेतीबाड़ी हुंदी है उहदे विच, हुण नवें सिरों जो उस दे नाल ही ये पुरातन तलाह होण करके डूंगा ज़्यादा सी, आले दुआले सफाई का ये साधन नहीं बन सकिया, हुण नवें सिरों नवें सरोवर साहब की उसारी होवेगी, जिवें धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कृपा करनगे संगतां दे सहयोग दुबारा। तो साध संगत जी जदों भी आप माई भाई आमो ये पावन स्थान के दर्शन करके आप जी ने जरूर कृपा करनी। दरबार साहब आप जी ने सरदार साहब जी पासों ये जो वीडियो है दर्शन करोंगे, जो दरबार साहब सी ये 12 दरी सी, जिस 12 दरी विच सतगुरु जी टहलकदमी करते रहे, उन्हां दे नेत्रां दी चरणां दी शो प्राप्त है। महापुरखां ने उन्हों नवें सिरों दीवारां करके उसारी करके कार सेवा करवा करके लैमीनेशन करवा करके दरबार साहब का रूप दिता, जो आप जी ने दर्शन किए हैं। आप यात्रा करन जदों पटना साहिब या हजूर साहिब संगत जाती है, आने वाली जाने वाली संगत गुरुधामां की यात्रा करन वाली संगत पावन स्थान ते हाजरी भरती है। संगत विश्राम करके सवेरे सतगुरां दा शुकराना करके संगतां अगले पड़ावां वास्ते चाले पाउंदियां हन। हुण आप जी नूं बाहर जो मेन गेट है उहदे दर्शन कराउने हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। घर गुरु घर की दित्ती भी गुरु घर के जिहड़े प्रबंध ने भी वह किस तरह चल रहे ने, क्योंकि इत्थे अयोध्या या जड़े मथुरा दे जड़े हिंदू भी रासो पासो दे यात्रा करके आउंदे ने, वह भी इत्थे ठहरदे ने, बड़ा ही लंगर दे विच बड़ी बहु गिणती दी जी संगत है वह प्रशादा छकदी है, ते कार सेवा दे कम भी चल रहे ने। पर एक कृपा है बाबे नानक दी, ते वह पातशाहियां सारियां पातशाहियां चारे पातशाहियां जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ते हरगोबिंद पातशाह जी भी, ये गुरु घर का जिहड़ा प्रबंध है वह बड़े सुचजे ढंग नाल चल रहा है। ये देख सकते हो तुसी गुरु की कृपा सदके भी रात का जो इस समय नज़ारा है गुरु घर का, वो तुसी देख सकते हो संगतां दा जिहड़ा इकट्ठ भारी इकट्ठ, ते गुरु साहिब दी गुरद्वारा साहिब दी जिहड़ी चमकदी इमारत, ते ओह सदा रहण झूल दे निशान गोबिंद के, ते ओह बिल्कुल सामने गुरद्वारा मंजी साहिब, ते तुहानूं जिहड़े अज रात दे जिहड़े नज़ारे दे भी दर्शन करवाने, वो सामने डूडी साहब ते होर आ रही संगतां ते हाजरियां भर रही संगतां। सो ये है गुरद्वारा गुरु का ताल आगरा। लो संगत जी करो दर्शन उस पवित्र कुए दे खूह दे, जिहड़े का जिसका पानी गुरु तेग बहादुर जी की मेहर सदका मिठा होया, ते अज तक जिहड़ा पानी है इस खूह का वरतों के विच लिया जाता है। तो पवित्र खूह
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਕਸੈਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਖੂਹ ਦਾ ਉਹ ਡੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਘਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਆਉ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਧੀਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।